बारात है तो ऐसा आपने देखा सगाई हुई है और 17 को बारात है, दैट मीन्स फिल्म रिलीज होने वाली है 17 तारीख को. बट आई फेल्ट सो गुड बिकॉज इट्स सो इट वॉज फर्स्ट टाइम समन लाइक इस तरह का हम ये सगाई का जो हमने किया था. सो इट वॉज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. मैं भी यही कहना चाहूँगा, ऐसा आई थिंक इंडिया में और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक सेम सेक्स मैरिज का सेलिब्रेशन हो रहा है और ये एक ह्यूमन इक्वेलिटी, एक फ्रीडम की आज एक बात है जिस तरह से आज सामने आई है, जिस तरह से कभी ये हुआ नहीं है. एंड मैं आशा करता हूँ कि ये हम इससे एक प्यार ही बढ़ावा दे रहे हैं कि प्यार किसी को भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, उसकी कोई रोक नहीं है. और हमको सबका प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए. नया ऐसा कुछ नहीं है, वही मैं कहना चाहूँगा, नया ऐसा कुछ भी नहीं है. ये हमारे समाज में हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये है और ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन और मैं दूसरा कहना चाहूँगा, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है. अगर आप लड़की से प्यार करते हैं, आप या लड़के से प्यार करते हैं, आप प्यार कर रहे हैं, आप किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं, आप किसी का रेप नहीं कर रहे हैं. आई मीन हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं अपने आप को पहली बात, क्योंकि लता जी का गाना इस फिल्म में होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं है. और हमने एक्चुअली बहुत इस चीज़ के लिए मेहनत की कि उनको इस फिल्म में लाए. उन्होंने गाना गाया, पहली बात उनको गाना बहुत पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने गाना गाया. और वी फील लाइक अवर फिल्म एंड वी बोथ एंड अवर एंटायर क्रू ऑल आर ब्लेस्ड दैट वी हैव लता मंगेशकर इन अवर फिल्म. मैं कहना चाहूँगा क्योंकि हर इंसान को ये फिल्म देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जानोगे नहीं तो आप डिसाइड मत करो. आप पहले जानो ये इमोशन है क्या है, क्योंकि आज तक बॉलीवुड फिल्मों में कभी तक इसको सही वे में नहीं दिखाया गया है. जब भी दिखाया है मजाक के तरीके से दिखाया है, और पहली बार बॉलीवुड में हम लोगों ने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश की. तो मैं चाहूँगा पहले लोग देखें, फिर उसके बाद डिसीजन लें. I would say like he has done a lot of hard work. हाँ, ये हमारे लिए मैं कहूँगा अचीवमेंट की बात है कि सलमा जी ने वो नहीं गा रही थी, पर ये गाना उनको, ये जो एक सूफी गज़ल है आईना हसीन हुआ है, ये उनको सुन के बहुत अच्छा लगा और उन्होंने फिर से वापस आई. और वही नहीं, इस चीज़ में हम एक और बहुत लगे हैं कि लता जी ने आखिरी जो गाना गाया था वो भी हमारी फिल्म डोंट नो वाई वन के लिए गाया था. उसके बाद उन्होंने कोई हिंदी फिल्म में गाना नहीं गाया, तो वो दूसरी बार भी हमारे लिए ही गाया है. और प्लस बप्पी दा भी हैं इसमें हमारे साथ. जैसे सर अभी आज जैसे एंगेजमेंट हुआ है तो शादी जैसे अटेंड हुआ, तो तब तक आपकी मूवमेंट क्या होगी एज ए फिल्म के हिसाब से? आप लोगों ने फोर्स किया था, एक सेकंड नहीं फोर्स नहीं किया था. हाँ जी, हम लोगों की तरफ से डिमांड थी. एज कपिल फिल्म में एक्टर भी हैं और ही इज ऑल्सो राइटर ऑफ द फिल्म, तो कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा था कि जैसे फिल्म में हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक लव स्टोरी दिखाया है, तो एक इनको जिस तरह से फील हुआ कि एक पाकिस्तानी फील फिल्म में नहीं है. सो इट वॉज लाइक इनका हार्ड वर्क था, ये कहाँ से ढूंढ के लाए मुझे पता नहीं. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज एन ऑडियंस हम सब मिस कर रहे थे उनकी आवाज़, क्योंकि उनकी एक अलग ही एक स्पेशल आवाज़ है. और आज के ज़माने में कई अलग तरह की आवाज़ें इनफैक्ट अब चल रही हैं, ये फैशन है अगर आप देखो पिछले 2-3 साल में. और कहीं ना कहीं जिसकी सबसे अलग आवाज़ आई थी वही कहीं की आवाज़ ये फिर से सुनाई दे. एक ही बात हम दोनों कहना चाहेंगे कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म प्यार के बारे में है, किसी गलत चीज़ के बारे में नहीं है. ये फिल्म कोई गलत शिक्षा नहीं देती है. और फिल्म को देख के आई थिंक, मैं नहीं समझता हूँ, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं हम ऐसी फिल्म देखेंगे तो शायद हमारा बच्चा गे या लेस्बियन बन जाएगा. तो फिल्म देख के ना आज तक कोई डॉक्टर बना ना कोई टीचर बना, तो फिल्म देख के कोई गे भी नहीं बनेगा. आप जो हो आप वही रहोगे, बस आप इंसान की इज्जत करो, प्यार करो.
हम लोग अपने अपने घर रहेंगे, वो अपने घर रहेंगे, हम अपने जब तक मिल नहीं सकते ना शादी से, थोड़ा तो दूरी रखनी पड़ेगी। वो अपने घर रहते हैं, मैं अपने घर रहता हूँ, जो जो ट्रेडिशन होता है वो भी फॉलो करना पड़ेगा।